हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। एक सीरीज मैंने शुरू किया था 500 प्रश्नों का सीरीज, ये उसी सीरीज का एक भाग है। बीच में किसी कारण से ये बंद हो गया था क्योंकि कुछ जैसे फेस्टिवल आ गया था या कुछ ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि ये सीरीज मैं नहीं दे पा रही थी। तो आज के क्लास में मैंने उसी सीरीज को शुरू किया है और इसे वो मैं कंटिन्यू करूँगी। हर एक शनिवार को, हर सप्ताह का जो शनिवार आता है उस दिन आपको इस सीरीज का वीडियो मिलेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जो आज की क्लास में मैंने शामिल किया है वो झारखंड के मुगल कालीन इतिहास से है, क्योंकि इस सप्ताह मैंने आपको झारखंड के मुगल कालीन इतिहास को पढ़ाया है तो उसे ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। साथ साथ आज की क्लास में हम लोग उस चैप्टर का रिवीजन भी करते चलेंगे, बहुत सारे ऐसे चीजों को याद करेंगे जो याद करने वाला विषय है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए सबसे पहले लेते हैं आज का पहला प्रश्न जो झारखंड के मुगल कालीन इतिहास संबंधित है। तो पहला प्रश्न आज का है कि कुंडे रियासत किस जिले में है। तो कुंडे रियासत जो है वो हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है कि किस तुगलक शासक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था। तो शेर शाह सूरी जो थे वो दक्षिणी बिहार के शासक थे और जब उनको बंगाल के अभियान पर जाना होता था तो ये झारखंड के से होकर गुजरते थे, झारखंड से होकर वो जाते थे और ये जगह था तेलियागढ़ी का क्षेत्र था, यहाँ से होकर ये गुजरते थे और मुगलों को झारखंड का रास्ता भी दिखाने वाले यही थे। अगला प्रश्न है कि अकबर ने 1885 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करते हुए सेना भेजी थी। तो अकबर के समय में जो नागवंशी शासक थे वो थे मधुकर शाह और यहाँ पूछा जा रहा है कि मधुकर शाह पे आक्रमण करने के लिए अकबर ने 1885 में किसको भेजा था। तो वो थे शहबाज खान, इनके नेतृत्व में मुगल सेना आई थी और आक्रमण की थी। अगला प्रश्न है कि 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मानसिंह उन्होंने झारखंड के किस स्थान को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाई थी। तो राजमहल को राजधानी बनाई गई थी बिहार और बंगाल की मानसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस राजा ने मानसिंह को उड़ीसा अभियान में मदद किया था। तो झारखंड के जो राजा राजा मधु सिंह जो थे वो उन्होंने उड़ीसा अभियान में मदद किया था मानसिंह का। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासन काल में, ये 1616 ईस्वी का है समय, छोटानागपुर का राजा कौन था। तो छोटानागपुर के राजा थे दुर्जन शाह, जहांगीर के समय में दुर्जन शाह थे, शाहजहां के समय में भी दुर्जन शाह थे और भी एक और शासक थे रघुनाथ शाह, वो भी शाहजहां के समकालीन थे। तो आगे हम लोग वैसी चीजों को जानेंगे जो जैसे कि अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे, क्षेत्रीय शासक कौन थे झारखंड के जो समकालीन थे अकबर के, इसके बारे में जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय, सबके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुगल सूबेदार कौन थे, किसको आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, पलामू पे या कुकरा पे, नागवंश पे, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था। तो ये थे रघुनाथ शाह और राम शाह भी अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी सही होगा क्योंकि रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों औरंगजेब के ही समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था। तो औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा थे मेदिनी रॉय, जिनके समय को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये है मेदिनी रॉय, इनके शासनकाल को चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कुछ एक और प्रश्न लेते हैं, वो है राजमहल पर मराठों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ। तो ये समय था 1742 ईस्वी का जब राजमहल पर मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ और मुगलों को अब झारखंड के क्षेत्र से हटा करके अपना शासन स्थापित करने वाले थे मराठा और मराठा के बाद अंग्रेज और अंग्रेज आए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शेर खां के समय में कौन से शासक थे झारखंड में। देखिए तो शेर खां के सेनापति थे खवास खान, उन्होंने पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर उसको अधिकार मतलब उसको महाराज चेरो को पकड़ने के लिए, उसको अपने अधीन करने के लिए
खवास खान को भेजा था शेर खान ने, तो सेनापति कौन हो गया? खवास खान। तो खवा ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अकबर कालीन झारखंड, इस समय में छोटा नागपुर खास का जो नागवंशी शासक था, अब हम लोग वो जानेंगे। तो वो खुखरा राजा जो थे वो कौन थे? मधुकरण शाह। और उस समय में बिहार के मुगल सूबेदार थे शहबाज खान। शहबाज खान को 1885 ईस्वी में मधुकर शाह पर आक्रमण करने के लिए भेजा था अकबर ने। और चेरो शासक इस समय में थे कौन? तो भागवत राय, अकबर कालीन थे भागवत राय। और सिंह वंशी शासक कौन थे? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह, भागवत राय और मधुकर शाह, ये सभी हो गए अकबर के समकालीन। और इस समय में आपको कौन सा एक सूबेदार को पढ़ना है? तो ये हो गया शहबाज खान। और मान सिंह के भी बारे में आपको डिपेंड पढ़ना है, मैंने गलती से यहाँ छूट गया। तो मान सिंह भी थे जो जिनको बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया गया था, और राजमहल का जो क्षेत्र था उन्होंने राजमहल के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला जो है वो है जहांगीर कालीन झारखंड। जहांगीर के काल में झारखंड जानेंगे। छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा थे दुर्जन साल। मुगल सूबेदार थे इब्राहिम खान, बंगाल बिहार के मुगल सूबेदार इब्राहिम खान थे। और पलामू के चेरो वंश के चेरो राजा थे अनंत राय और सहबल राय। सहबल राय के बारे में आपको याद होगा कि जहांगीर ने इनको पकड़ के मुगल दरबार में बुलाया था और वहां के सामने इनको निहत्था छोड़ दिया था सहबल राय को। तो यही आपको याद हो गया होगा क्योंकि आप तो पढ़े हैं बहुत अच्छे से। और मुगल सूबेदार थे अफजल खान। ये अफजल खान जो थे वो जहांगीर कालीन थे। शाहजहां कालीन झारखंड जानेंगे। तो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा थे दुर्जन साल और रघुनाथ शाह। और ये पलामू के चेरो वंश के राजा थे प्रताप राय। और मुगल सूबेदार थे इस समय में अब्दुल्ला खान, इतिकाद खान। और एक मुगल अधिकारी का भी नाम आता है जबरदस्त खान का। मैंने आपको पढ़ा है जबरदस्त खान का आक्रमण कैसे हुआ पलामू पर। फिर औरंगजेब कालीन झारखंड को जानेंगे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? छोटा नागपुर खास के जो राजा थे रघुनाथ शाह उनके बारे में और राम शाह के बारे में, और पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय के बारे में जो औरंगजेब कालीन थे। तो आप इसको याद रखिएगा, मैं आपको याद ही कराने के लिए इस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। पलामू का चेरो शासक मेदिनी राय और मुगल सूबेदार दाऊद खान। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था दाऊद खान जो थे वो पलामू की राजधानी पे आक्रमण करने के लिए वो आते हैं। और मेदिनी राय से कैसे इनका सामना होता है नए पलामू किला के पास जो दक्षिणी कोयल नदी बहती है, ये जो कोयल नदी बहती है उसके पास इन दोनों का आमना सामना होता है। और वहां पर चेरो जो है वो हार जाते हैं और मुगल का अधिकार हो जाता है पलामू के क्षेत्र पे। मेदिनी राय सरगुजा चले जाते हैं और फिर बाद में जब मुगल का कमजोर पड़ता है यहाँ शासन, तो फिर मेदिनी राय सरगुजा से वापस आते हैं पलामू में और फिर पलामू के शासक बनते हैं और पलामू के डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। पलामू का इतना ज्यादा विकास करते हैं कि चेरो शासक का स्वर्ण युग कहा जाता है मेदिनी राय के शासनकाल में। तो आपने इन सभी चीजों को पढ़ा था, चूंकि रिवीजन कराना था मुझे आपको और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देना था। देखिए सारे प्रश्नों को शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज आपने जाना कुछ मुगल कालीन प्रश्नोत्तर को और जो झारखंड से संबंधित है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। सोमवार से हम लोग नेक्स्ट क्लास से कल एक ही वीडियो जाएगा आपको, सकल संडे है एक वीडियो मैं दूंगी। और मंडे से हम लोग झारखंड के आधुनिक झारखंड के इतिहास को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और किस प्रकार से अंग्रेजों का झारखंड के क्षेत्र में आगमन हुआ था आप उसे जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मेरा प्रयास होगा कि आसान करके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको झारखंड के इतिहास को पढ़ाऊं, आधुनिक झारखंड के इतिहास को। बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।